हेलो एवरीवन वेलकम बैक लेट्स बिगिन विद द न्यू क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन थ्री टाइम्स इफ गेटिंग ए डबल इट इज कंसीडर्ड एज सक्सेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस वेरी इजी क्वेश्चन सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली बिगिन विद द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर कट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्म्यूला यूज करना है एंड व्हाट इज दैट फॉर्म्यूला q इज दिस प्रोबेबिलिटी टू एक्स इज हमें भी क्या करनी है तो हमें यही करना पड़ेगा बट इस फॉर्म्यूले को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी एन पी और क्यू की वैल्यूज तो चलिए एक एक करके वैल्यूज फाइंड करते हैं तो क्वेश्चन में जो पेयर ऑफ डाई है उसको कितनी बार थ्रो किया गया है तीन बार मतलब नंबर ऑफ ट्रायल इज थ्री दिन और नंबर ऑफ ट्रायल इन दिस केस इज थ्री अब यहां पर सक्सेस क्या है डबलेट का मिलना वट इज डबलेट जब हम पैर ऑफ डाइ को दो डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो डबलेट का मतलब दोनों डाइस के ऊपर मिलने वाला नंबर सेम होना चाहिए मीनिंग वन कॉमा वन टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री फोर कॉमा फोर फाइव कॉमा फाइव एंड सिक्स कॉमा सिक्स तो अगर मैं यहां पर जो ये हमारा सक्सेस है तो उसको अगर मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूं हमारा जो रेंडम वेरिएबल एक्स है वो है नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग ए डबलेट तो यू गैस टेल मी ये जो एक्स की वैल्यूज है ये क्या क्या हो सकती है तो अगर हम डाई को तीन बार थ्रो करें तो हो सकता है कि हमें एक भी बार जो है वो डबलेट ना मिले या हो सकता है कि एक बार डबलेट मिल जाए या दो बार मिल जाए या मैक्सिमम कितनी बार डबलेट मिल सकता है तीन बार राइट right? वेन यू थ्रो ए पेर ऑफ डाय हाउ मेनी टाइम्स थ्री टाइम्स तो आपको जीरो टाइम्स डबलेट मिल सकता है या वन टाइम या टू टाइम या मैक्सिमम थ्री टाइम्स आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स अब इसके बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे पी की वैल्यू अब पी क्या होता है पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट राइट सो लेट्स पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए क्योंकि हम यहाँ पे पैर ऑफ डाई को थ्रो कर रहे हैं राइट तो पैर ऑफ डाई के लिए सैंपल स्पेस सभी को पता है ये होता है पेर ऑफ डाई का सैंपल स्पेस इसमें हमें क्या चाहिए डबलेट चाहिए हमारा जो फेवरेबल है वो क्या है गेटिंग ए डबलेट डबलेट है ये वन कॉमा वन टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री फोर कॉमा फोर फाइव कॉमा फाइव एंड सिक्स कॉमा सिक्स मतलब टोटल छ फेवरेबल आउटकम्स है हमारे केस में और टोटल आउटकम्स कितने हैं ये थर्टी सिक्स तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स बाय थर्टी सिक्स एंड सिक्स बाय थर्टी सिक्स इज वन बाय p मिलने के बाद नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करनी है q की वैल्यू q क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और देखिए फेलियर जो है वो सक्सेस का कॉम्प्लीमेंट होता है तो q आपको हमेशा कैसे मिल जाएगा वन माइनस पी से करेक्ट तो नेक्स्ट स्टेप में q की वैल्यू क्या हो जाएगी वन माइनस पी है वन बाय सिक्स हो जाएगा वन माइनस वन बाय सिक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कौन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस मीनिंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अब हम सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे एन सी एक्स रेस टू x, q रेस टू n माइनस x. अब n कितना है टू है right? तो जाएगा थ्री सी टू पी की वैल्यू कितनी है फाइव बाय सिक्स तो फाइव बाई सी सी टू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो थ्री इंटू टू अपॉन टू इंटू वन वन बाय सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा वन बाय थर्टी सिक्स और ये फाइव बाय सिक्स रेस टू वन बचेगा राइट थ्री माइनस टू वन तो फाइव बाई सी फाइव बाय सिक्स अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे और हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ आपके पास थ्री बचेगा राइट right? और इसको मल्टीप्लाई करने पे वन इंटू फाइव आएगा फाइव एंड थर्टी सिक्स इंटू सिक्स विल बी टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन तो ये टोटल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका फाइव बाय टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन अब देखिए ये थ्री और टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन एंड थ्री टू जार सिक्स तो ए टोटल फाइनल वैल्यू आपको इससे क्या मिल जाएगी फाइव बाय सेवेंटी टू वेरी इजी क्वेश्चन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो